इंग्लिश बोलने में और शेर व शायरी समझाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो क्या हो गया? आप मुझे पढ़ के सुना दे, मुझे समझ आ जाए। देखो महापारा, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेर व शायरी जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। अरे साफ कहना, आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। यार कह तो रहा हूँ ना यार, मुझे नहीं आता ये सब। और देखो, अगर तुम्हें वाकई बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो जाओ सोहेल भाई के पास, वो तुम्हें समझा देंगे सब कुछ। सुहेल भैया, वो पढ़ाते कम है और पूछते ज्यादा हैं। वैसे एक बात बताओ, मैं नोट कर रहा था आज भाभी के साथ बड़ी बातें कर रही थी तुम। अरे भाभी वैसे वो इतनी रूड है नहीं जितनी लगती हैं, अच्छी हैं। अच्छा, अच्छी है। दूर रहना उनसे। क्यों, इतने स्वीट तो हैं वो। ज्यादा स्वीटनेस जो है ना, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों भाई? डायबिटीज हो जाती है यार, मैं कह रहा हूं ना, दूर रहना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप समझाते, वरना मजबूरी में फिर भाभी से जाके समझना पड़ेगा। यार महापारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कह रहा हूं ना, मुझे ये शेर व शायरी नहीं आती। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मुझे सिर्फ पढ़ के सुना दे, मैं समझ लूंगी। इंग्लिश तो आती है ना, सिर्फ पढ़ दें प्लीज। तुम्हें और कितनी जबानें समझ आती है महापारा बीबी? मुझे तो बस एक ही जबान समझ आती है और मेरे लिए काफी है। उर्दू? वो जबान जो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा लाओ लाओ किताब दो यार, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम पूरा साल अपनी क्लासेस अटेंड करती ना, तो आज यहाँ पर ना बैठी होती। यहां तो मैं आज भी आपके लिए बैठी हूं, वरना ये तो मैं